चांद के बाद भारत अब सूरज की तरफ देख रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा के राज जानने में व्यस्त है, लेकिन अब सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। PSLV XL रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है। आदित्य L1 करीब 125 दिन यानी 4 महीनों में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि आदित्य का मतलब सूर्य होता है और लैग्रांज पॉइंट जिसे L1 भी बोला जाता है वो असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है। इसी पार्किंग स्पेस में सूर्य का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट्स को रखा जाता है। लैग्रांज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों की ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। यहां भेजी गई सैटेलाइट अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच करीब 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। आपको बता दें कि अभी तक सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे थे। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन 1994 में भेजा था। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 पर टिक गई हैं।